हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पेट्रोल और पानी को यूज़ करके आप जो है अपने घर में चूल्हा जला सकते हैं। इन तमाम स्टेप्स में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, इस प्रॉपर सिस्टम को बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो चले मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ जो आज मैंने अपने सिस्टम में यूज़ की है। चले चलते हैं। सबसे पहले आपको कभी भी आप किसी भी बर्निंग प्रोसेस में जाएंगे, आपको गैस की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है और इसके साथ साथ पानी की ज़रूरत है। इस एक बोतल में हमारे पास पेट्रोल है और इस दूसरी बोतल में जो है हमारे पास पानी है। सिंपल, हमारे पास चूल्हा है और हमारे पास एक कंप्रेसर है। अच्छा, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने ये सिस्टम बनाना किस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए कंप्रेसर। कंप्रेसर का जो बेसिक काम है वो इसमें प्रेशर क्रिएट करना है और ऑक्सीजन होगी तो यहाँ पर बर्निंग होगी। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें प्रेशर बनाएगा। पेट्रोल में आपने क्या करना है, जो पाइप इसके साथ हमारे पास आया हुआ है वो पूरा इस पेट्रोल में आपने डिप करना है, जबकि जो दूसरा सेकेंड पाइप है जो इस सेकेंड बोतल में गया है वो ऊपर ही होगा, जस्ट यहाँ तक होगा। ठीक है, फिर इसका जो सेकंड पाइप जो यहाँ से इसमें गया हुआ है बॉटल में वो नीचे तक आएगा और जो यहाँ से निकलकर हमारे पास इस चूल्हे में आया हुआ है वो पाइप ऊपर होगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें वो ये है कि आपने ये जो सीलिंग है ऊपर से इसको बंद करना है, ये अच्छे तरीके से करना है। अगर इसमें ज़रा सी भी लीकेज होगी तो आपकी यहाँ पर जो बर्निंग होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। गाइस, बॉटल में जो आपने इसका लेवल है ये फुल नहीं करना, आपने हाफ़ या हाफ से भी कम जो है पेट्रोल और पानी का लेवल रखना है ताकि एयर गैप बीच में हो। अगर एयर गैप नहीं होगा तो आपकी जो बर्निंग सिस्टम है वो नहीं होगा। एयर गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस एंड फॉर दिस सिस्टम। तो गाइस, आपने देखा हम पेट्रोल और पानी को कनेक्शंस वगैरह जो है वो हम कर चुके हैं। चले गाइस, अपने सिस्टम को चेक करते हैं कि क्या वाकई ही ये रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। तो सबसे पहले उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कंप्रेसर को ऑन करें ताकि वो इसमें प्रेशर क्रिएट कर सके। प्रेशर क्रिएट करेगा, हम चूल्हे का वाल्व खोलेंगे और उसके बाद हम बूम, ये आप देख सकते हैं गाइस किस तरीके से ये चूल्हा जल रहा है। फायर बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें प्रोड्यूस हो रही है। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सेफ्टी इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इन योर होम। सो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करने लगे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, सेफ्टी के जितने प्रिकॉशंस हैं उन सब को मद्देनजर रखते हुए आपने ये प्रोसेस या ये एक्सपेरिमेंट अपने घरों में करना है।